bye <laughs> रहीम वालेकुम कैसे हैं आप सब लोग हमीदा खरी से होंगे अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अल्लाह पातः वर्म से बिल्कुल फिट फाट और मजे में पे आज बन रहा है जी मथन मलाई जो है वो काफ़ी ज्यादा जमा हुई पड़ी थी तो मैंने ना उसको तो जात लगा ली थी और यहाँ पर मैं बना रही हूँ मत्थन और हुरिया तो जिद थी शाम का ता टाइम ता है और हुरिया तो जिद थी तो मैंने ना मामा रोटी तो मत्थन लगाते थाना था नहीं तो मैंने रोटी नहीं खानी तो मैंने कहा चलो जी अब मैं मेजे ना ये भी बनाना भी बनना है नहीं तो मेरा प्रोग्राम था तो मैं ना इसको ये पढ़ा रहे था और अच्छे से ना फिर इस तरह ना लस्सी थट्टी हो जाती है तो फिर उसके बंदा थड़ी वगैरह जब बना लेता वो फिर थोड़ी भी मज़े से बनती है तो मैंने कहा तो चलो मैं ना सुबह इस तरह ना मत्थन बनाऊँ तो इसने कहा नहीं मैंने तो अभी लगाना है अभी बनाए मथन फिर मैंने यहाँ पर देखिए मत्थन बनाया है और बहुत ही जबरदस्त और फ्रेश फ्रेश सा मथन जो है वह तैयार हुआ है यहाँ पर है जी अगला दिन शाम का टाइम और हसब मामूल जो है वो समझ नहीं आ रही थी तो क्या बनाया जाए तो यहाँ पर फिर मैंने ना तो इस हुरतोडमी ली हुई थी हुरियात तो बाबा भी ऑफिस में थे तो फिर मेरी कोशिश होती है तो कुछ मैं न ऐसा बनाऊँ जो हस्बेंड को तो भी पसंद आ जाए और होरिया भी जो है ना वो खुशी खुशी खा ले तो हुरिया ने जो तो मुझे कहा हुआ था तो मामा आज प्लीज़ दही बिल्ले बनाए काफ़ी तो देर हो रही है दही बिल्ले नहीं बनाए हमने तो उसकी फरमाइश पे मैंने दही बिल्ले भी बनाने हैं आज और फिर मैंने सोचा कि तो अगर मैं सालन बनाया ना मैंने तो वो ज़ाया ही होने हैं तो फिर मैं ना सा चावल बना लेती हूँ तो बनाना तो मैंने था चना वाला पुलाव फिर मैंने तो था, था इस तो मैं ना बिरयानी स्टाइल में बनाती हूँ वो ज़्यादा मज़े का बनेगा तो, बने तो यहाँ पर फिर मैं ना चना पुलाव जो है ना वो बिरयानी स्टाइल में बना रही हूँ और चावल जो है वो मैंने बॉयल करने के लिए रखे हुए हैं साथ इसमें मैंने नमक डाल दिया है और यहाँ पर देखिए चावल जो है ना वो मेरे बॉइल हो चुके हैं और अब इस पॉइंट पर मैं इसमें डाल दूँ तो सारा मसाला जिसमें मैंने दो से तीन जो हैं वो प्याज ली हैं टमाटर लिए हैं तीन से चार और ये देखिए चने जो हैं वो ऑलरेडी मैंने कर करके रखे हुए थे चावल जो हैं वो भी बॉईल हुए हुए हैं यहाँ पर मसाला रेडी हो गया और अब मैं इसमें शामिल कर दूँ ये तो जो बोइल किए हुए हुए चने पूछना मेरी आज तबीयत भी नहीं ठीक तरह ऐसे तलावट तकावट सी फील हो रही थी और फ्लू भी हुआ था समझ नहीं थी आ रही था तो क्या तो आ बनाओ फिर मैंने यही जो है ना यही बेहतर समझाया था ये मैं बना लेती हूँ तो हस्बैंड भी खुश होता था ले और हुआ भी खुश होता था ले चना तो बनाई जो है वो अच्छे से हो चुकी है अब इस पॉइंट पर इसमें शामिल कर दूं। तो मैं तो मैं तकरीबन चार से पाँच टेबल स्पून तो जितना दही दही जो है वो मेरा होम मेड है इससे चावल ना बहुत ही अच्छे नरम और जूसी तैयार होते हैं यहाँ पर देखिए चना तो मैंने अच्छे से भून लिया और अब इसलिए मैं लेयर्स लगा दूँगी जिस तरह बिरयानी के लेयर्स लगाते हैं ना सेम टू सेम उसी तरह से मैं ना इसलिए भी लेयर्स लगा दूँ थी सबसे नीचे जो है वो थोड़ा सा सालन है ऊपर मैंने डाल दिए हैं चावल इनको मैं हल्के हाथ से ना अच्छे से मिक्स कर लूँगी और फिर ऊपर से डाल दूँगी यही ग्रेवी वाला सालन जो है चनों था और फिर ऊपर से चावल डाल तो तीन-तीन यीन चीजें पता ही नहीं चल रहा था तो आपने ये चिकन वाली बिरयानी बनाई है या फिर चना वाली बिरयानी बनाई है इस तरह से बिरयानी ना ज़रूर ट्राई थी जिना बहुत ही मज़े से बिरयानी तैयार हुई थी स्पेशली ये बिरयानी जो है ना ये मेरे वेजिटेरियन जितने भी वेवर्स हैं ना उनके लिए हैं वेजिटेरियन जितने भी व्यूवर्स हैं वो सारे मुझे दुआएं देने वाले हैं तो बाजी ने हमें बहुत ही अच्छी जो है वो बिरयानी बनाना सिखा दी हुई है यीन थी, थी जी चना पिलाओ बिरयानी जो, जो है वो बिल्कुल सेम टू सेम चिकन वाली बिरयानी जो है वो उसको भी इसने पीछे छोड़ दिया था बहुत ही मज़े से ये बिरयानी तैयार हुई थी और आपके बच्चों तो और हस्बेंड को तो भी ज़रूर ये बिरयानी जो है वो पसंद आएगी मेरी रेसिपी तो ज़रूर ट्राई थी आप लोग मुझे दवाएँ देने वाले हैं यहाँ पर मैंने लगा दिया है जो बिरयानी तो दम और साथ में अब यहाँ पर दही भल्ले जो हैं वो तैयार कर थी दही भला का सारा सामान भी मेरा रेडी था बस मैंने इनको मिक्स ही करना था और अब हस्बैंड भी आने वाले हैं बस और हुरिया जो है वो भी अकेडमी से बस आने ही वाली है तो मैं यहाँ पर फटाफट लगी हुई थी तो उनके लोगों के तो आने से पहले पहले जो है ना वो थाना तैयार हो जाए ताकि तो जब वो लोग आए तो थाना जो है वो उनको गरम मिले यहाँ पर जो बातल चटनी बच गई थी उसको तो मैं इस तरह से ट्रे में डाल के हूँ उनका क्यूब्स बना लूं तो इस तरह से फिर ना रायता भी आसानी से बनता रहता है और और भी रेसिपीज वगैरह में ना फिर ये चटनी जो है वो इस्तेमाल होती रहती है तो जो की बच रही है उसको मैं इस तरह से फिर मैंने था ज़ाया ज़रूर करना है इसको मैं इस तरह से ट्रे में डाल के तो इसके बना बनाते तो फिर मैं रख लूँ थी यहाँ पर देखिए जी बिरयानी तो भी दाम लाद चुका है बहुत ही मज़े थे और ज़बरदस्त जो है वो खुशबू आ रही है बहुत ही मज़े बिरयानी तैयार हुई है और आज मैं ना दूसरा ट्राईपोर्ड यूज कर रही थी तो मुझे पता ही नहीं चला था उसका ना एंगल ठीक नहीं था ये देखिए ना ज़्यादातर ना वीडियो में, में मेरा हैंड ही ज़्यादा नज़र आ रहा है तो इन नेक्स्ट टाइम ना थोड़ा मैं इस बात का ध्यान करूँगी या आज ना बिल्कुल ही कैमरे का एंगल जो है ना वो थोड़ा सही नहीं है यहाँ पर खाना जाओ बिल्कुल रेडी हो चुका है यहाँ पर देखिए मैं दही भल्ले भी डाल रही हूँ ये मैं समझ लीजिए तो आप लोगों के तो लिए प्लेट बना रही हूँ दही भल्लों की भी और ये बिरयानी भी ये है जी दही भल्लो तो फाइनल लुत्फ और हुरियत आदमी एडमिशन आ चुकी हुई है हस्बैंड भी बस रास्ते में है पहुँचने वाले हैं ये है जी दही भल्ला तो फाइनल लो तो बहुत ही मजे थे और टाइम टे तो चटपटे से दही भले जो हैं वो तैयार हुए हैं और ये है जी चना बिरयानी थी फाइनल लुत थे तो इतने तो तेरे मज़े थे और थिले थिले चावल जो हैं वो तैयार हुए हैं ये तीन तो ये जो आप ये रेसिपी ट्राई करें तो ना तो आप वाह वाह ही तार उठे हुए बहुत ही मज़े तो ये बिरयानी तैयार होती है और हुरिया ने अभी खाया है और हुरिया तो इतनी पसंद आई है तो हुरिया ने ये देखी अभी से मुझे कहा है तो मामा मेरे सुबह टिफिन के लिए ना आप अभी से भी ये बिरयानी भी डाल दें और दही भले भी डाल दें मैंने सुबह ये लंच में लेते जानी है तो और वैसे भी ना सुबह इसकी ना टीचर की बर्थडे भी थी तो ये देखिए इसने इतनी जिद की है तो मैंने अपनी टीचर के लिए ना गिफ्ट ले तो जाना है तो फिर आप तो पता बच्चों को माननी पड़ती है फिर ये देखिए ये ना ले एयरिंग या खुद अपनी पसंद थे और अब यहाँ पर मैं इसको तो पैक कर तो दे रही हूँ यहाँ पर देखिए जी फाइनली रिया थी टीचर के लिए बर्थडे गिफ्ट जो है वो पैथ हो चुका है और इसलिए तो बाबा भी हमारे पास ही बैठे हुए थे जब हम ये ना पैथन कर रहे थे तो ऐसे हो रिया तो तान रहे थे बातें तार तारते यहाँ तक थी जी मेरी आज की वीडियो उम्मीद करती हूँ तो आप तो पसंद आई होगी वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तो और शेयर तो इन दोबारा फिर हाजिर हूँ तो ये नई वीडियो और नई रेसिपी के तो साथ तब तक के तो लिए अल्लाह हाफिज़